Hello children, welcome to Dikshant Sir Retake. I am Jyoti, your teacher. Okay, so today we are going to write cursive letters. Okay, cursive letters. And the subject is learn to write cursive letters. Topic is cursive patterns. Chapter 1, part 1. Okay, तो आज हम लोग कर्सिव राइटिंग के जो पैटर्न है उसे स्टार्ट कैसे करते हैं, कर्सिव राइटिंग जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कैपिटल ए स्मॉल ए जब लिखते हैं तो अलग अलग लिखते हैं, बट कर्सिव राइटिंग जो होती है उसमें हमें सभी लेटर्स को मिलाकर एक साथ लिखना पड़ता है. तो एक साथ मिलाने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए कि हमारा लेटर भी ऊपर नीचे ऐसा ना हो, सभी लेटर्स एक साइज में लिखना पड़ता है. तो उसके लिए क्या करेंगे, आज हम लोग फर्स्ट पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे. कुछ पैटर्न्स है, कुछ लाइन वगैरह है, वो हम लोग आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. और उन लाइंस को हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ये हम लोग आज सीखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Cursive writing. Okay, learn to write cursive letters. So अभी मैंने बताया कर्सिव जो लेटर्स है या राइटिंग है, इसमें हम लोगों को सभी लेटर्स को जो वर्ड हमारा बनाते हैं, वर्ड्स से मिलकर ही सेंटेंस बनता है. तो वर्ड्स जब लिखते हैं तो उन वर्ड्स को लिखने के समय हमारा हर लेटर जो है दूसरे लेटर से मिलकर जाएगा. ओके, हर लेटर जैसे ए डबल पी एल ई, अब उसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो ए डबल पी एल ई, इसमें एक बार भी पेन को उठाया नहीं गया. यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक हमें मिला करके लेटर्स को लिखना पड़ा. तो यही जब हम लोग लिखेंगे किसमें, कर्सिव राइटिंग में, तो यही है कर्सिव राइटिंग. तो जब लिखना पड़ता है कर्सिव राइटिंग तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पेन हमारा एक साथ ही जाएगा तो उसे लिखने के लिए हमें बहुत सारे पैटर्न्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. उस प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो लेटर्स हैं जब हम उन्हें मिला मिला करके लिखेंगे तो उसमें हमारी हेल्प होगी. और इस तरह से पैटर्न्स पे जब हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो लेटर्स पे भी हमारा जो हाथ है वो अच्छे से चलेगा. ओके, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कर्सिव लेटर्स. ओके, ये क्या है, ये हमारे अल्फाबेट है जिन्हें आप पहचानते हो, है ना. तो देखो यहाँ पर सारे ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये जो लेटर्स है ये सारे लेटर्स हम लोगों ने सीखा है अपने लास्ट क्लास में, और ये सारे लेटर्स को हम लोग पहचानते हैं. लेकिन अभी जब मैंने बताया कि ये एफ है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये एफ कैसा है, मैंने तो ऐसा एफ सीखा है ना. लेकिन कर्सिव में बहुत सारे लेटर्स जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं और कुछ लेटर्स जो होते हैं वो एकदम अलग हो जाते हैं, ठीक है. तो उन्हें लिखने के लिए बड़ा स्मूथली हैंड को हमें चलाना पड़ता है. जैसे यहाँ पर एन है, एस है, ठीक है, इन सारे जो लेटर्स हैं उनको लिखने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल हम लोग इस तरह से एस लिख देते हैं, है ना, इस तरह से अल्फाबेट में एस लिखा जाता है,
बट कर्सिव राइटिंग में इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें थोड़ा हाथ स्मूथली चलना चाहिए। अब हाथ को जब हम लोग इस तरह स्मूथली कैसे चलाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट प्रैक्टिस करनी होगी। और बहुत सारे अभी लाइंस है जिन पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पैटर्न्स पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ये सारे लेटर्स हम लोग इजीली राइट कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है, हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं जिन पे हम लोग क्या करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है प्रैक्टिस पैटर्न। यहाँ पर लाइंस है और लाइंस जो है वो सीधी नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे अप डाउन में है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है इसे सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस लाइंस के, इन लाइन के ऊपर पहले इजी, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा हार्ड लाइन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट इजी ये लाइन है, बट लाइन पे प्रॉपर उसी टाइप से हम लोग को इस पे ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये ग्रीन टू रेड डॉट, इस तरह से स्मूथली जाना है, ठीक है। और एक बार भी हमें क्या करना है, अपने पेन को उठाना नहीं है, ओके। तो फर्स्ट टाइम में तो थोड़ी इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं, आप इरेज करो उसको, फिर से उस पे अपने हाथों को उस लाइन पे पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट टाइम हम लोग करते हैं, हम लोग पहले लाइन को देख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहां लाइन अप हो रही है वहां अपने हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे, और जहां डाउन हो रही वहां डाउन, जैसे यहां से डाउन देन अप डाउन अप डाउन। यहां से स्टार्ट करेंगे, डाउन अप डाउन अप देन डाउन, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे, अप डाउन अप डाउन अप, ओके। नेक्स्ट लाइन, डाउन अप डाउन अप, है ना। ये क्या, इससे क्या होगा, हम लोग लाइन जो है अपना पेंसिल को बिना उठाए लिखने का, हम लोग ये पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये डाउन अप डाउन अप, इससे क्या है, हम लोग बिना हाथ उठाए पूरे राइटिंग जो अपना कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वो तो थोड़ा लाइन थी मतलब अप डाउन, बट यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डाउन है, अप डाउन, ये थोड़ा दूर है, यहाँ थोड़ा हमें नजदीक नजदीक अप डाउन करना है। और ये कैसा लग रहा है, एकदम जैसे पानी की जो लहर होती है उस टाइप की दिख रही है ना यहाँ भी। तो ये जो पैटर्न है इस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। जैसे फिश जो है वो वाटर में किस तरह से तैरती है, स्विम करती है ना, तो ये वाली फिश जो रेड फिश है वो कैसे स्विम करेगी, तो ये रेड फिश इस तरह से स्विम करेगी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन,
ओके, तो रेड फिश जो है वो इस तरह से स्विम करेगी, अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट यहां पर कौन है, यहां है हमारी येलो फिश, तो हम लोग येलो कलर से येलो फिश को स्विम करवाते हैं। ओके स्टार्ट, डाउन अप 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 डाउन अप। वाओ, ये लाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर हाइट पे हमारा जो लाइन है वो जाना चाहिए इक्वल, उसी तरह से डाउन भी एकदम इक्वल होना चाहिए, है ना। यहाँ भी जो लाइन है उनका गैप भी सेम है, यहाँ जो भी लाइन है वो अप डाउन में, यहाँ भी एक लाइन में है, ठीक है। यहाँ भी नीचे और ऊपर का हमें भी ध्यान रखना है, कोई लाइन ऊपर से ज्यादा नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हमारी है पर्पल फिश, तो इसे भी हम लोग कलर करते हैं। ओके, और पर्पल फिश जो है ये क्या है, इसे हम लोग ब्लू लाइन से करते हैं, और इसका भी डाउन एंड अप में है, बट गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा हमें रखना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लुक कितना स्मूथली ये इस तरह से लाइन जो हमारी ये ड्रॉ हो गई है ना, और इसमें भी जो गैप है वो सभी जगह हम लोगों को सेम दिख रही है। इसी तरह से हमें लाइन जो पैटर्न है उस पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारी है ये ग्रीन फिश, ग्रीन। ओके, और ग्रीन फिश जो है वो ज्यादा नीचे जा रही है, यानी डाउन अप डाउन अप, इस लाइन में हमें बहुत नीचे देन ऊपर नीचे ऊपर अप डाउन इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, ग्रीन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, सो ये सारी फिश जो जिस लाइन में स्विम कर रही थी, हम लोगों ने उस पे क्या किया, लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और इस तरह से हमें जो बिना हाथ को उठाए लाइन जो है, पहले हम लोगों ने थोड़ी सीधी लाइन को हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया, देन कुछ लाइंस जो है वो इस टाइप से हैं, कुछ गैप कम है, बहुत कम है, ज्यादा है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न जो है इनमें हम लोगों ने क्या किया, अपने हैंड्स को उठाया नहीं, और क्या किया, एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ किया। तो इस तरह से जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग जब भी कर्सिव राइटिंग में कुछ लेटर्स सेंटेंस लिखेंगे, तो हमें पता रहेगा कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, किस टाइप से हम लोग किसी भी लेटर के ऊपर लाइन को लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये वाला जो पैटर्न है प्रैक्टिस पैटर्न, ये थोड़ा क्या लग रहा है हमें,
ये है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने टू यहाँ 4-5 लाइंस पे प्रैक्टिस किया है, तो ये भी लाइन हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तो बहुत सारे लाइन है, उस पे हम लोग इरेज करके भी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है तभी हम कुछ नया लिख पाएंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ जो लाइन है वो इस तरह से जा करके वन लूप लूप टाइप का ये जो लाइन है, ठीक है, जैसे यहाँ से जा करके ये एक गांठ दो गांठ इस तरह से मिली हुई है। तो इस पे हमें क्या करना है, किस टाइप से ड्रॉ करना है ये देखते हैं। तो स्टार्ट करने से के लिए हम लोग यहाँ ग्रीन डॉट से स्टार्ट करेंगे, और ये जो है ये इसके आगे जाएगा, देन इस तरह से हम लोग राउंड करेंगे और वापस उसी लाइन में आएंगे, ओके। ये इस टाइप से ओके आगे जाना है और फिर उसे एक सर्कल बनाते हुए वापस हमें आना है। कंप्लीट इस टाइप से। नेक्स्ट फिर से हमें इसी लाइन को ड्रॉ करना है इस तरह से सर्कल बनाते हुए, यहां से यहां ये यहां और ये हो गया सेकेंड लाइन कंप्लीट, ओके। और भी लाइन है, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं राउंड। ये जैसे लेटर्स ई एस इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं उनमें ये लाइन जो हमें हेल्प करेगी। पहले स्लोली देन थोड़ा फास्ट भी हम लोग कर सकते हैं, अगर हमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे उस पर थोड़ा फास्ट भी उस पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। लास्ट लाइन है, इस पे भी हम लोग क्या करते हैं एक बार ड्रॉ करते हैं और स्मूथली देखो इस तरह से कभी कभी ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या कर सकते हैं फिर से हम लोग लिख सकते हैं, स्टार्ट कर लेंगे यहां से और इस पे हम लोग वापस से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके ये लाइन कंप्लीट है, इस तरह से पैटर्न पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी और बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो अलग अलग लाइन में है, ये अभी जो हम लोगों ने कंप्लीट किया उसी से मिलता जुलता है, बट इसमें कुछ थोड़ा सा और लाइन जो है वो अलग हो गया, चेंज हो गया। जैसे हम लोगों ने अभी किया बस वन सर्कल बनाया और वापस सेकेंड सर्कल, लेकिन यहाँ पर क्या है वन सर्कल यहाँ अप डाउन देन वन सर्कल, ओके इस टाइप से, और यहाँ पर वो सिंपल वाला है। अब यहाँ पर जो है वो सर्कल जो नीचे डाउन है। स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कि हमें और किस टाइप के लाइन मिलते हैं। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट लाइन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहां से स्टार्ट करना है ये वन यहां अप डाउन सर्कल अप डाउन अप डाउन, ओके इस टाइप से इस लाइन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट ये सिंपल जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था सर्कल इस तरह से, ओके एक बार भी पेंसिल को
हमें उठाना नहीं है, लाइन कंप्लीट करनी है इस टाइप से। नेक्स्ट, ये इसी का अपोजिट लग रहा है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसे भी हम लोग कर लेंगे इस टाइप से। ओके, अप डाउन सर्कल, अप डाउन सर्कल, अप डाउन सर्कल, अप डाउन सर्कल, ये लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन सेम इसका अपोजिट है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हमें इसे नीचे साइड से इस तरह से ड्रॉ करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके ये हो गया। नेक्स्ट ये है वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन, फोर डाउन, फाइव डाउन, सिक्स डाउन। थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस से हर चीज हम लोग लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये पैटर्न है, इस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये थोड़ा स्मॉल है, अभी हम लोगों ने जिन पैटर्न पे राइट किया, ड्रॉ लाइन किया, वो उस थोड़ा बिग था, ये क्या है स्मॉल है, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस पैटर्न। नाउ स्टार्ट, वन टू थ्री फोर, इस तरह से हम लोग अगर बोल करके करते हैं तो ये काउंटिंग भी हो जाएगी और हमारा ये प्रैक्टिस जो है इजीली हो जाएगा। ये इस तरह से, ओके ये हो गया। इसी टाइप से है ये सारे लाइन, ये कर्सिव में हमें यही ध्यान रखना है कि जितने भी लाइन है उनमें जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो भी पैटर्न पे, उस पे हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने पेंसिल्स को उठाना नहीं है, उसे हमें पूरा लाइन कंप्लीट होने तक ड्रॉ करना है। ओके, इस टाइप से। ये बहुत सिंपल लगता है बट सेम जब बनाना होगा तो थोड़ा हार्ड लगेगा, बट इससे क्या होगा, हमें ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम लोग एक लाइन को बिना कोई लेटर या वर्ड्स को छोड़े बिना राइट करना है। ओके, एक लाइन और हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ, ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम लोग इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट, और एक लाइन को अगर बार बार रिपीट करें तो वो बहुत स्मूथली वो हम लोग लाइन को क्या करते हैं, कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर बार बार जब हम लोग रिपीट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस होने से वो हम थोड़ा फास्ट कर पाते हैं, और फास्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम
नहीं आती है। तो पैटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, इस तरह से पैटर्न प्रैक्टिस हमें करना होगा, जिससे हम लोग कर्सिव राइटिंग जो स्टार्ट करेंगे तो हमें डिफिकल्ट ना लगे। ओके, ये लाइन कंप्लीट है। यहां अब हम लोग कुछ लाइन को चेंज कर रहे हैं। ओके, सो ये जो लाइन है थोड़ा डिफरेंट है उन लाइन से। यहाँ इस लाइन में देखिए कुछ स्मॉल मतलब की है, ज्यादा गैप नहीं है। ये जो हम लोगों ने फिश वाला किया था सेम उसी का टाइप का है, बट ये अलग है, ये कर्व्ड लाइन टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इन लाइंस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। ये हनी बी को जाना है कहाँ, फ्लावर के पास। हनी बी को कहाँ जाना है, फ्लावर के पास। तो इसे हम लोग पहुंचाते हैं ड्रॉ लाइन ड्रॉ करके इस टाइप से, बहुत स्मूथली हमें अपने हैंड्स को रखना है और इस पे लाइन ड्रॉ करना है। ये हनी बी कहाँ पहुंच गई, फ्लावर के पास। ओके, देन स्नेल को कहाँ जाना है, कैबेज के पास। स्नेल को भी हम लोग पहुंचाते हैं। ये स्नेल गया इस टाइप से, वाओ नाइस, है ना। अब हमें रैबिट को कहाँ पहुंचाना है, कैरेट। ये जाएगा इस तरह से, जंप करता है रैबिट, जंप करता है ना, इस तरह से जंप करता हुआ कैरेट के पास जाएगा। ओके, देन ये डॉगी कहाँ जाएगा, बोन के पास। इसे हम लोग इस तरह से रन करवाते हैं इस लाइन के थ्रू, रन। इस ये थोड़ा सा झुकी हुई लाइन है, ये पहुंच गया। ओके, ये चारों लाइन डिफरेंट है। ठीक है, अब कुछ और लाइन है जिन पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लाइंस पे अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, बट यहाँ पर कुछ अलग भी है, उन पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो ये वाली लाइन हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस की, तो इस पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस टाइप से। ये राउंड इस टाइप से, ओके। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इससे बिग है, उसी टाइप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन डॉट्स पे स्मूथली अपने हैंड्स को चलाना है। ओके, और ये वाला जो है सबसे स्मॉल है, छोटा छोटा है, दिख रहे हैं ना, इस पे हमें बहुत आराम से, क्योंकि ये स्मॉल है तो इस पे हम लोग जब थोड़ा हमें केयरफुली इसे ड्रॉ करना होगा। ये ये भी कंप्लीट हो गया, और ये थोड़ा इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हम लोग भी इसे भी कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड लाइन, सॉरी फोर्थ लाइन कंप्लीट। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये लाइन जो है ये यू टाइप का हमें दिख रहा है कर्व्ड लाइन में। ठीक है, तो इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं इस तरह से। जब हम लोग यू
लिखेंगे तो इसमें हमें क्या होगा, ये लाइन जो है वो हेल्प करेगी। तो इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं इन पैटर्न्स पे। ये हो गया हमारा। ये वाला कैसा लग रहा है? ये शार्क शार्क फिश जो है उसके टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना, उसके पीठ पे इस तरह से होता है, ये इस तरह से। ये सारे लाइंस जो है हमें कर्सिव राइटिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी उसे राइट करने में। और सारे पैटर्न्स पे जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, उस पे लेटर्स को हम लोग राइट कर पाएंगे। सेम ये हमारा हो गया, ये भी जो है ये भी सेम है, इस पे भी हम लोग इस टाइप से अपने लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइन है। अभी एक और पैटर्न है जिसपे हमें बहुत सारे लाइन मिलेंगे। ये दो सेम सेम लाइन है, इन पे भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे शार्क है उसका ये पैटर्न है, इस पे हम लोग इसे इस टाइप से इस पे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग पूरा पूरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा। ओके, नाउ इस लाइन को हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस किया है और इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से इसे इस पे हम लोग करते जाएंगे। ये वाला सेकेंड लाइन है, इस पे भी बहुत स्मॉल है इसीलिए थोड़ा केयरफुली हमें क्या करना होगा, इस पे इस टाइप से अपने हैंड्स को चलाना है, हाथों को एकदम स्मूथली। ओके, स्मूथली चलाने से क्या होगा, ये जो पैटर्न है अच्छे से कंप्लीट होगा। ये इस टाइप से, इस पे इस टाइप से हम लोग जब इतने सारे लाइंस को हम लोग ने प्रैक्टिस किया तो ये सारे लाइंस जो है बहुत इजीली जो क्या हो रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं। इन्हें भी कंप्लीट करते हैं, ये टू टू लाइंस हैं, इन्हें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है और ये भी लाइन हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो ये सारे लाइंस जो है ये हमारे पैटर्न के हैं जो हमें क्या करेंगे, कर्सिव राइटिंग को राइट करने में हेल्प करेंगे। सो कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पैटर्न पे प्रैक्टिस करना था, जो आज हम लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स पे क्या किए, प्रैक्टिस किए हैं। और इस तरह से प्रैक्टिस करने से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कर्सिव राइटिंग राइट करने में। ओके, सो ये हमारा कर्सिव राइटिंग पैटर्न प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।